हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी सिंह इस BHU पाठशाला में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप सभी को ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्लियर करने आई हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। और दूसरी बात, आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है सॉयल एंड इट्स टाइम्स, मिट्टी और उसके प्रकार। वीडियो पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, जैसे कि लिखा उस इमेज पे लिखा है टॉप सॉयल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, सब सॉयल विथ सैंड स्लीट एंड क्ले। ये सबको मैं आगे डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताया है कि सॉयल एज अ रिसोर्स, मतलब सॉयल कैसे हम रिसोर्स के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है, सॉयल इज़ द इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि सॉयल जो है वो इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मिट्टी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लाइक प्लांट ग्रोथ के लिए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे जीव जंतु अर्थ पर रहते हैं उनको जिंदा रहने में सपोर्ट करती है सॉइल। जैसे रिन्यूएबल, जैसे कि हम लोग एक कहावत सुनते होंगे कि मिट्टी के शरीर में मिट्टी में ही मिल जाना है, तो वैसे ही साइंस के बेसिस पे देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो सॉइल सच में एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिखा है कि सॉइल मतलब पौधों के लिए, हमारे अलग अलग प्रकार के लिए, भिन्न भिन्न जीवों को समर्थ जीवन के लिए सॉइल काफ़ी हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मतलब बहुत कुछ, जैसे कि हिंदी में यहाँ पे लिखा है कि कुछ सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी बनने में लाखों साल लगते हैं। प्रकृति की भिन्न शक्तियाँ जैसे तापमान में परिवर्तन, बहते पानी की क्रिया, हवा और ह्यूमिड मतलब जो टेम्परेचर है, जिनके डिकम्पोज होने की गतिविधियों से आदि हमारा जो मिट्टी का निर्माण होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है सॉइल का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण के लिए कुछ मीन्स पेरेंट रॉक सबसे लास्ट जो बेस होता है सॉइल फॉर्मेशन के पिक्चर में, जब जो स्टार्टिंग देखेंगे सबसे लास्ट होता है वो पेरेंट रॉक होता है या बेड रॉक होता है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल की उत्पत्ति के लिए, जैसे वेजिटेशन हुआ, अदर फॉर्म होता है, क्लाइमेट हुआ, मिट्टी के निर्माण के लिए मूल चट्टान या आधार, जलवायु, वनस्पति और जीवन के अन्य रूप और समय महत्वपूर्ण कारक हैं। मतलब सॉइल फैक्टर फॉर्मेशन, सॉइल की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए हमें डीप में तो नहीं जाना है, बट कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है हमारा, सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक ह्यूमस। तो सॉइल ऑर्गेनिक ह्यूमस और इनऑर्गेनिक ह्यूमस दोनों को अपने तरफ कंसिस्ट करता है। मतलब हिंदी में भी लिखा है कि मिट्टी में कार्बनिक ह्यूमस और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की किस बेसिस, मतलब क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हमारा कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी द सॉइल ऑफ, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर जो हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कलर हुआ, मिट्टी कैसा है, मतलब आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल जो होता है, एरिड सॉइल होता है, उनका जो टेक्सचर हुआ, थिकनेस हुआ, एज, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी, हर चीज़ अलग होते हैं जिनकी वजह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं सॉइल को। आगे वाली लाइन में वही लिखा है कि इंडिया में क्लासिफाइड के हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो मेंशन है। जैसे सबसे पहला है हमारा एलुवियल सॉइल, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो नॉर्दर्न प्लेन आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में,
जैसे इधर ये नदन पार्ट होता है और ये सदन लास्ट जो होता है पॉइंट वो हमारा सदन पार्ट होता है। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोद मिट्टी से बना होता है। नेक्स्ट में देखते हैं एलुवियल सॉइल और क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है। सबसे पहला है, दूसरा पॉइंट है हमारा, द एलुवियल सॉइल इज़ डिपॉजिटेड बाई थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये सब नदन मतलब नदन रेंज से जो जाती हैं हमारी रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि गंगा और इंडस और ब्रह्मपुत्र ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके वजह से हमारा एलुवियल सॉइल डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन कौन कौन से स्टेट, कहाँ कहाँ कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। तो राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हुआ, और कभी कभी पर्टिकुलरली इन डेल्टाज ऑफ महानदी एंड गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। जैसे कि लिखा है कि ये राजस्थान, गुजरात और पूर्वीय तटीय मैदानों में भी विशेष रूप में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। ये कुछ स्टेट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कौन, ब्लैक सॉइल हमारा है उसके बारे में हम देखते हैं। दिस सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर एंड इज़ ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटीरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ये मिट्टी जो होती है काले रंग की होती है और इससे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी के निर्माण के मूल चट्टान सामग्री के साथ जलवायु परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण कारक हैं। मीन्स लाइक आप कह सकते हैं कि ये ब्लैक इन, इसका जो नेचर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, मीन्स इसका कलर जो होता है, इसको कभी कभी हम लोग रेगर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को। क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ जो पेरेंट रॉक जो होता है, जो बेस हमारा सॉइल फॉर्मेशन का जो बेस पेरेंट रॉक है, कभी कभी वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। तो ये सॉइल मीन्स, कॉटन मीन्स कपास के लिए, ये ब्लैक सॉइल रिस्पॉन्सिबल होता है कौन से, मोस्टली कौन से इसमें चीज़ ग्रो होती है, वो है हमारा कॉटन। तो यहाँ पे लिखा है कि कपास उगाने के लिए मिट्टी आदर्श है, ब्लैक सॉइल जो है में ज़्यादातर कॉटन ग्रो कराते हैं, इसीलिए इसको कहा भी जाता है एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉइल कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। तो आप देख सकते हैं ये सब वेस्टर्न पार्ट जो सदर्न एरिया हैं इधर, जैसे ये महाराष्ट्र हुआ हमारा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जो है इधर, ये हमारा ब्लैक सॉइल जो है पाया जाता है। और ब्लैक सॉइल जो है, द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, दैट इज़ क्लेई मटीरियल एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मतलब जो काली मिट्टी होती है बेहद महीन, यानी मिट्टी का सामग्री जो सामग्री से बनी होती है वो नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। लाइक ये क्लेई मटेरियल होता है, यानी बहुत बेहद महीन, मीन्स को क्ले मीन्स महीन, और ये मॉइस्चर को, उसकी मॉइस्चर को, नमी को होल्ड करने के लिए कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज होती है ब्लैक सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येल्लो सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मतलब इस प्रकार की मिट्टी जो है डेक्कन के, मतलब डेक्कन पार्ट में और सदर्न पार्ट में के भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, मीन्स जो रेड और येल्लो सॉइल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब इसका कलर होता है रेडिश कलर होता है बिकॉज ऑफ आयरन की वजह से और मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब कुछ कुछ जो कंकड़ होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक भी पाया जाता है। इट लुक्स येल्लो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेट फॉर्म। मतलब ये हाइड्रेट फॉर्म में जब रहता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हाइड्रेट रूप में
होने पर ये पीला दिखने लगता है, मीन्स हाइड्रेट फॉर्म में जब रहता है तो ये येल्लोइश कलर में दिखने लगता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फाउंड इन पार्ट ऑफ कौन से स्टेट में पाया जाता है रेड और येल्लो सॉइल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड द अलोंग द पेडिमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण हिस्सों और पश्चिमी घाट के पेडिमोंट क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल जो है हमारा, उसके बारे में देखते हैं। द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो यहाँ पे लेटराइट मिट्टी जो है वो हमारा जो होता है वो वेट और ड्राई सीजन। लेटराइट सॉइल जो होता है हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है और अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लेटरिक्टिक सॉइल आर एसिडिक, उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.0 इन नेचर एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड एंड मोस्टली इन सदर्न स्टेट, जैसे वेस्टर्न घाट हुआ, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब ये जो है लेटराइट मिट्टी जो है इसकी पीएच वैल्यू 6.0 है, प्राकृति में होता है और आम तौर पर पौधों की पोषक तत्वों की कमी होती है। इस प्रकार की मिट्टी को ज़्यादातर दक्षिण राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एरिड सॉइल आर रेंज फ्रॉम रेड टू ब्लैक इन कलर। मतलब ये जो एरिड सॉइल होता है लाल रेड से वो ब्राउन कलर में हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस सॉइल इज़ जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेंड बाय एवोपरेटिंग द वाटर। ये मिट्टी आम तौर पर बनावट में रेतीली और नमकीनी प्रकृति की होती है, कुछ क्षेत्र में नमक की, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, मात्रा बहुत अधिक होती है और पानी को मतलब सामान्य नमक प्राप्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे लगभग जो होता है ये बहुत मींस ये कंसिस्ट करता है हमारा हाई कॉमन सॉल्ट पाया यहाँ से, मतलब लाइक एरिड सॉइल में जो हमारा होता है वो लैक ऑफ ह्यूमस और मॉइस्चर, मतलब ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। फॉरेस्ट सॉइल नेक्स्ट टाइप है, फॉरेस्ट सॉइल ये सॉइल जो है फाउंड होता है हिली और माउंटेन एरियाज़ में, पहाड़ों के क्षेत्र में ये फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है लाइक जनरली फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट है, द सॉइल टेक्सचर इज़ लूमी एंड स्लीटी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन दी अपर स्लोप्स। तो ये मतलब घाटियों के किनारे ये मिट्टी पाई जाती है और इसका टेक्सचर जो होता है वो लूमी और स्लीटी होता है, ठीक है। और कुछ इसके जो मीन्स थोड़े मोटे दाने वाले कंकड़ टाइप के ये सॉइल होते हैं, अपर स्लोप्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट MCQs पे जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ही देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल। मतलब कौन सा, मतलब जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ए एलुवियल सॉइल। सबसे पहला ऑप्शन है ए हमारा, कहता है कि एलुवियल सॉइल इज़ मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बी एलुवियल सॉइल इज़ जनरली फर्टाइल। जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर उपजाऊ होती है। सी एलुवियल सॉइल लैक्स नाइट्रोजन एंड टेंड्स टू बी फॉस्फेरिक। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और ये फॉस्फेरिक होती है। ऑप्शन डी एलुवियल सॉइल जनरली कंप्राइज हाई परसेंटेज ऑफ क्ले एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग। जलोढ़ मिट्टी में आमतौर पर मिट्टी की उच्च
प्रतिशत होती है और लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है हमारा डी, एलुवियल सॉइल जनरली कंप्राइज हाई परसेंटेज ऑफ क्ले एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एमंग दी सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच एमंग दी फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इसमें है दिया कि निम्नलिखित में से किस पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ए सैंड, बी क्ले, सी लूम, डी स्लिट, मतलब सैंड रेत, क्ले चिकनी मिट्टी, लूम मतलब चिकनी बलुई मिट्टी, स्लिट मतलब भट्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी लूम, चिकनी बलुई मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर कॉटन कल्टीवेशन विच एमंग द फॉलोइंग सॉइल इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए है हमारा रेड सॉइल लाल मिट्टी, बी लेटराइट सॉइल लेटराइट मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, एलुवियल सॉइल मीन्स जलोढ़ मिट्टी। तो जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया था, ब्लैक सॉइल जो होता है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है ब्लैक सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है। तो पहला ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, सेकंड है बी हमारा ब्लैक सॉइल, सी रेड सॉइल और डी लेटराइट सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है एलुवियल सॉइल। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए एलुवियल सॉइल, ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट है, एलुवियल सॉइल जलोद मिट्टी। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्या है, खादर एंड भांगर कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉइल। खादर और भांगर किस श्रेणी की मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। ए एलुवियल सॉइल, बी रेड सॉइल, सी ब्लैक सॉइल और डी लेटराइट सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है हमारा जलोद मिट्टी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, रेड सॉइल रिच इन विच मिनरल। लाल मिट्टी किस मिनरल में खनिज से भरपूर है, मींस लाइक ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी आयरन, सी नाइट्रोजन और डी फॉस्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी आयरन, लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेड सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैव द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रैक्स एंड श्रिंक इन ड्राई कंडीशन। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में शुष्क अवस्था में दरारें और सिकुड़न के गुण होते हैं। तो ऑप्शन ए है ब्लैक क्ले सॉइल, काली मिट्टी की और बी हमारा है रेड पोरस सॉइल, फिर सी है हमारा सैंडी सॉइल, डी हमारा लूमी सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए ब्लैक क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रिलेटेड टू द टर्म रेगर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगर शब्द से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा लेटराइट सॉइल, बी हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल, सी हमारा रेड सॉइल और डी डेल्टिक एलुवियल सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी ब्लैक कॉटन सॉइल। रेगर मतलब वर्ड से ही समझ जा रहे होंगे कि वो ब्लैक सॉइल की बात हो रही है, जनरली ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ एयर स्पेस एंड लूजली पैक्ड। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में हवा का स्थान है और स्थिर रूप से पैक है। तो ऑप्शन ए है हमारा सैंडी सॉइल, बी हमारा क्लेई सॉइल, सी हमारा लूमी सॉइल और डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए सैंडी सॉइल। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और MCQs भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सॉइल से क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, एक से
दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, सो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ख़ासकर MCQs पे ज़्यादा फोकस करिएगा। सो थैंक यू सो मच।